नमस्कार, बीसीएन न्यूज के टॉप 10 में मैं दिशा आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। भारत में अब तक 17,92,98,584 वैक्सीन की डोज लगाई गई। पिछले 24 घंटे में 18,75,515 सैंपल का किया गया टेस्ट, आईसीएमआर ने दी जानकारी। देश में कोरोना के 3,42,896 नए मामले आए सामने। पिछले 24 घंटे में 3,997 की हुई मौत। गुरुवार को मोमिनपुरा में मचा हड़कंप, एनडीएस दस्ते ने दुकानों को किया सील, 6 दुकानों पर लगाया गया जुर्माना। शहर में कड़े लॉकडाउन से तीव्रता हुई कम, 7 दिनों में 21,000 कम हुए एक्टिव केस। शहर में बीते 24 घंटे में 2,224 नए मामले आए सामने, 77 की हुई कोरोना की वजह से। शहर में 3 जेलरों ने मांगी खड़नी, हाईकोर्ट के आदेश पर हुई एफआईआर। शुक्रवार को शहर में सादगी से मनाया गया ईद का पर्व, जगह जगह पर की गई सजावट। लॉकडाउन में चल रही थी क्लास, पुलिस ने मारा छापा, परिसर हुआ सील। वर्धा में रेमडेसिविर का पहला उत्पादन, 17,000 इंजेक्शन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की उपस्थिति में वितरकों के सुपुर्द। बीसीएन न्यूज के टॉप 10 में फिलहाल इतना ही। ऐसी अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।